क्या बात है जी, क्या बात है आपके, क्या बात है, वाह जी वाह, जीरो पीछे। अरे थैंक यू सो मच ईदल, आपके लिए चॉकलेट्स वाली ईदी आई है। पैंट शर्ट कल पहने नहीं? हाँ नहीं, हाँ डन। अब क्या हो गया? डन जी, डन डन, हाँ जी डन, पैंट शर्ट, पैंट शर्ट डन जी। अबू डन हो गया, सारी फैमिली डिमांड कर रही है कि आप पैंट शर्ट पहने। सारी फैमिली टट्टे खूज जाएगी, मैं टट्टे खूज नहीं जाना। देखो दो तीन चार पाँच, हाँ पाँच हजार रुपये, पाँच पंजा हजार, पाँच हजार रुपये, पाँच पचास हजार, पच्चीस हजार भाई, पाँच हजार रुपये, पाँच पच्चीस। Of all my lessons. यार अभी मैं सोकर उठाऊँ, एक तो सोया मैं सुबह 5 बजे था, उसके बाद पेट के दर्द ने प्लस ये लूज मोशरों ने मेरी जान खाई रखी है। तकरीबन कोई 20-25 दफा मैं उठकर वॉशरूम गया हूँ, और तीसरा इन अंकलों की क्रिकेट ने मेरी जान खाई हुई है भाई। यकीन मानो जब मैं सोया था तब भी ये क्रिकेट खेल रहे थे, अभी मैं सोकर उठाऊँ तब भी इनके क्रिकेट खेलने की वजह से उठाऊँ, क्योंकि बैट मारते हैं बहुत ही जोर जोर से ये जमीन पर, और इनकी क्रिकेट खत्म ही नहीं हो रही। पिछले 1 घंटे से ना मैं बेड पर लेटी है मार मार कर इनकी क्रिकेट खत्म होने का इंतजार कर रहा था कि जब ये क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे ना तब मैं सुकून से सो जाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने बंद नहीं किया। ओ भाई क्या तुम लोगों ने गली को स्टेडियम बना दिया यार, बाबर आदम बनकर ही जान छोड़ोगे क्या क्रिकेट की? बड़ा ही आवाजारी वाला नाश्ता मैं अभी घर के आया हूँ, दही के साथ बंद। दही तो मैं वैसे शौक से खाता हूँ, लेकिन बंद नहीं मेरे से खाया जाता है यार, बचपन से ही बस नहीं खाई जाती तो नहीं खाई जाती कोई चीज। अच्छा खैर, आज दही और बंद का नाश्ता मेरे इसलिए गया है क्योंकि पेट खराब चल रहा है। जैसे कि मैंने सुबह उठते ही आप लोगों को बताया था कि तकरीबन 20-25 दफा मैं सुबह 5 बजे सोने से लेकर सुबह 11:30-12 बजे उठने तक मैं गया था, और उठते ही जी मुझे लगा शायद मेरे ही पेट खराब चल रहा है, लेकिन मेरी खाला सस का प्लस घर के 2-3 बच्चों का, कवल का प्लस 2-3 दोस्तों का भी, बिकॉज सुबह उठते ही ना मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, कहता किधर गायब था यार। मैंने कहा यार थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, पेट शेट खराब है। वो कहता मेरा भी पेट खराब है। वो दूसरे तीसरे दोस्त भी मैंने पूछा कि तेरा क्या सीन है, कहता मेरा भी पेट खराब है। मैंने कहा यार ये वायरस तो नहीं कोई आ गया कि सबके ही पेट खराब चल रहे हैं? तभी मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई ताकि मजीद लोगों से कंफर्म करता हूँ कि मैं अकेला या फिर मेरे दोस्त या फिर मेरी बीवी या फैमिली के 3-4 अफराद तो नहीं है सिर्फ शामिल इस वायरस में, या बाकी लोग भी हैं। फिर बाद में मुझे हुई जी तसल्ली के 50% लोगों ने कहा हुआ था कि जी हाँ हमारा भी रमजान के बाद पेट खराब चल रहा है। तो जनाब ये पक्का वायरस है कोई पेट खराब वाला, तो बच्चों इससे। जी जी आप कह रहे हो आप सबका पेट खराब है, कह रहे मेरा दिमाग खराब है, इसका तो शुरू से दिमाग खराब है। मेरी बेटी का आउटफिट देखो, बहुत प्यारा आउटफिट है, बहुत प्यारी लग रही है इधर। गुरु ने अपनी छुट्टी से खुश होती है दोबारा से खुद भी क्लैपिंग करती है। पीछे उसकी मामा की फोटो है। जी पता है हमें जनाब कि उसकी मामा की फोटो है। ये लड़की क्या चाहती है, इधर खड़ी होकर क्या कर रही है? क्या कर रहे हो बेटा जी आप, आपका कोई काम है इधर? हैं सुकून से जाकर जाय नमाज पर बैठो और अपने जीजू के लिए दुआ करो कि जीजू का पेट ठीक हो जाए ताकि मैं दोबारा फिर से रेगुलर रूटीन वाले खाने खाने शुरू करूं। ये देखो क्या है, मेरे दिमाग में एक चैलेंज है। मैंने कहा बच्चे इकट्ठे हुए हैं, इनके साथ एक गेम खेलता हूँ। अच्छा कौन सी गेम? यार वो जो ऐसे होती है ना 6 कलर्स है ना, 6 ग्लास ऊपर रख देंगे, 6 नीचे रख देंगे, हमने उसको मैच करना है। ठीक है, तो राउंड में सारे खेलते जाएंगे, उसके आगे पैसे रख देंगे, जो बिल्कुल सही रखेगा अच्छा उसको पैसे मिलेंगे। अच्छा वो जो रील रूल भी चल रही होती है उस तरह से, ग्लास एक ही कलर के हैं। ये पेंट मंगवाया ये, पहले पेंट करें इनको, पहले पेंट करते हैं बाद तो बाद में चैलेंज करें, बाद में चैलेंज। चलो ठीक है। क्यों कर रही हो इतनी मेहनत यार? बच्चों का दिल था, जैसे आप हमेशा उनके साथ चैलेंज करते हो ना। हाँ? वो ये कह रहे थे कि आज भी चैलेंज करो, वो बेचारे बोर हो रहे हैं, कह रहे हैं ईद वाले दिनों में भी हम कहीं नहीं गए। हाँ? तो आज भी चौथा दिन भी CNG काट गए। हाँ जी चैलेंज करो, चैलेंज करें, चैलेंज। चलो तुम लोगों के साथ कुश्ती चैलेंज करता हूँ मैं, ठीक है ना? सॉरी, जिसको मैंने टाल लिया ना वो मुझे 15,000 रुपया दे। सॉरी है ना? नहीं इतनी ईदी नहीं मिली, इतने पैसे मांग रहे हैं। जी ओए, जी ओए अली। यार ये वाहिद लड़का है जिसको मेरे ब्लॉग में आने का बहुत शौक है, और किसी दिन ना मैंने सारा ब्लॉग
डेडिकेटेड तेरे पे बना देना, ठीक है ना? ठीक हो गया ना? मोहब्बत तो है यार इसको मेरे से, तब से मोहब्बत है। जब मैंने पहला ड्रामा किया था तब भी मैं घर आया, तो मुझे माँ जी ने बताया कि मेरा ड्रामा सबसे ज्यादा शौक से ये बंदा देखता है, और मेरा ड्रामा देखकर ये भी ड्रामेबाज बन गया बहुत। और कमल की मेहनत जारी है, पहले इसने बेचारी ने सारे ये ग्लास मंगवा कर पेंट शेंट किए हैं, अब ये डब्बे को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए इसने मंगवाई है 120 रुपए ला के टेप। और इस बेचारी को ना अकेली मेहनत करने का शौक भी चढ़ा हुआ है, नहीं तो चेक करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में हम 10 बंदे बैठे हैं, लेकिन ये किसी को हाथ लगाने दे ही नहीं रही, क्योंकि ना ऐसे काम करने का ना बड़ा शौक अक्सर हम लोगों को चढ़ जाता है कि पेंट करें, इस तरह से टेपे शेपे लगाएं। अगर इनमें से मैं किसी एक बच्चे को काम करती ना, हाँ। तो दूसरों ने कहना था आप भी हमें नहीं काम आप करने दे, हाँ जी। तो इसलिए मैंने कहा इन लोगों को लड़ाने से बेहतर है मैं खुद ही काम करूं। खुद ही काम नहीं करो को, इन लोगों को लड़ाने से और तरसाने से बेहतर है कि मैं खुद ही काम करूं, क्योंकि वो तरस रहे हैं कि हम लोगों ने भी इस काम में शमूलियत करनी है ना। वो काम कम करेंगे बिगाड़ेंगे ज्यादा। इधर को भी शौक है यार कि मैं भी ये टाम टूडी डूडी 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 नू। अरे क्या बात है कमाल, ये क्या मेहंदी लगाने वाले हाथों में ना तुमने पेंट लगा दी, फिर तुमने मेरी इज्जत, मैंने नहीं लगाया, फिर तुमने कहा तुमने ये अपने कजरों की ख्वाहिश पूरी की है। मैं किसी काम की नहीं, मैं कोई काम ही नहीं करती। मैंने कब कहा है यार ये? हाँ लड़ाई के अलावा तो कभी नहीं कहा, वैसे लड़ाई में कहा होगा, हाँ लड़ाई में। अच्छा खैर अभी ना इन ग्लासों को हम लोगों ने शफल करना है, फिर उसके बाद चैलेंज शुरू करेंगे। और जब बच्चा पार्टी 2,000 लेकर आ चुकी है, बिकॉज मैंने ऐलान कर दिया है कि जनाब जो बंदा 2,000 लेकर आएगा वही चैलेंज में पार्टी। और आप भी कह रही थी खेलिए भी ऐसी पैसे भी ऐसी, तो आप लोगों का शौक नहीं पूरा कर रहा मैं। नहीं मैम मैं शौक, चलो ठीक है जी, ठीक है आपा निकल गई हैं, आपा निकल गई, ओके जी टाइट है बाबा, आपा नहीं है हमारे चैलेंज में जी, आपा नहीं है, आ जाओ आ जाओ यार। और रोने लग गई हैं आपा, रोने लग गई हैं, आ जा यार आपा, ना ना रोना नहीं पागल, छोटी सी बात पे रोना शुरू यार। हर दफा मैं लगाता हूँ ना चैलेंज में पैसे, हर दफा मैं लगाता हूँ, लेकिन इस दफा मैंने कहा है जब सारे पैसे डालेंगे ना तो ज्यादा एक्साइटमेंट होगी जीतने की उन पैसों को, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं, लाओ जी 2,000 पकड़ाओ, और दो ना भाई पैसे दो ना, ये देखो 2,000 दो, 2,000 अबे ये देख रहा है, एक और 2,000 दे दिए ना, 2,000 दे दिया, ये देखो दो और वो 1,000 पागल 2 रुपए ला के दे। अच्छा हाँ वो भी है नहीं ना, तुम लोगों ने छपड़ी बना बंद करना है कि नहीं अपना, दो हजार नहीं वो नहीं बंद करना, 2,000 2,000 अबे दुबी दे 2,000 दे ना यार, देखो अगर तुम लोग पैसे पूरे नहीं देते तो मैं गेम में आने नहीं दूंगा, हाँ ये दो 2,000 तू भी दे, कितने आ गए हैं 4 बंदों के पैसे आ गए, आपा आप भी थैंक यू आपा, ये पकड़ो आपा आपका बकाया 3,000, ये लो 2,000 आ गया, और कौन था भाई और कौन था, 5 हो गए हैं ना, ओ मैं रह गया हूँ, मैं रह गया यार, मैं अपना 2,000 भी डालता हूँ, और तकरीबन 6 बंदे ही बस खेल रहे हैं, ओ पैसे देने की मत सिर्फ 6 बंदों में ही थी, अब 6 बंदे ही खेलेंगे इंशाल्लाह और जीतूंगा मैं। अब 12,000 रुपए है ना, हम में से सिर्फ एक बंदा जीतेगा, ठीक है ना, ये रख दिए मैंने 12,000 रुपए, और वो बंदा जीतेगा इस गेम को जिसने के सारे ग्लास सेम वाले कलर्स के साथ मैच कर लिए, ठीक है ना, डन, इसको मैं शफल भी करूँ, हाँ शफल करो बिकॉज ये लोग देख कर उस साइड पर गए, आप भी देख चुके हैं, हाँ मैं भी देख चुका हूँ, ये भी बात सही है, चलो शफल करो मैं उस साइड पर जाता हूँ, ये तो मैं भी खेलूंगा तू भी खेलेगा, तो यार ग्लासेस उतार दे फिर मैं तुझे खेलने देता हूँ, तेरी मेहरबानी नहीं अच्छी लगती तुझे पहनी हुई, दे 2,000 रुपया, चलो ये लो यार, हाँ 7 बंदे हो गए हैं, ठीक है जी ज्यादा पैसे बढ़ गए हैं ना, एक बंदा 14,000 जीतेगा, जिसकी किस्मत ने साथ दिया, आ जाओ जी। ऑडियंस से गुजारिश है कि किसी ने किसी को बताना नहीं है, चलो सारे ग्लासेस को ना शफल कर लो, आप इधर आ जाओ ना, आप उस साइड पर क्यों खड़े हो, इस साइड पर आओ, चले आयशा तू भी इधर हो, हाँ लाइन बनाओ, चलो पीछे मेरे, अली 0 बाप पीछे, ओके आयशा 2 राइट पीछे, 2 सही है आयशा के, 2 सही, 0 पीछे, 2 से भी गई आपकी, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, ओए होए ओए होए ओए होए, 0 पीछे, ओके अब्दुल रहमान,
अच्छा जी ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। जीरो निकलो मुझे। आ गए जी मेरे शोहर साहब हारन वास्ते। मच्छू पुंडिया। ओके जी, क्या बात है जी, क्या बात है आपके, क्या बात है, वाह जी वाह। जीरो पीछे। ओके अकल से खेलो सारे, अकल से देखो कौन सा सही है, उस पे फोकस करो सारे लोग। ना ना अकल अकल। जीरो नहीं नहीं, वन 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 वन, सॉरी सॉरी, वन वन वन। अब ध्यान रखना कि वन कौन सा ठीक है। आयशा इस तरह खेल रही है जैसे जायदाद लगी हुई इसकी। थ्री राइट, वाह जी वाह। जीरो। आयशा का ही दिमाग चलता है, बाकी सबका किसी का नहीं चलता। जीरो। वन राइट। फोकस फोकस, पीछे रह के थोड़ा फोकस, पीछे पीछे फोकस फोकस। अच्छा जी ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। सारी मोहब्बत जुल्कर नैन वास्ते। टू राइट पीछे। जीरो। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गाड़ी मेरी की चाबी मुझे दे दो और बाय बाय आयशा, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह अकबर। इधर बेटा आप इधर बैठो ऐसे करके, ठीक है। बाबा मामा को आवाज देते हैं कबल आ जाओ और निकलते हैं अब अपने घर की तरफ, ठीक है। घर के लिए निकले थे तभी कवल ने कह दिया कि रास्ते में रुककर कुछ खा पी ना जाए। मैंने कहा चलो ठीक है खा लेते हैं, इसने कहा चाइनीज खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है बेगम साहिबा आप अपने लिए चाइनीज ऑर्डर कर दो। और जब इसने ये चाइनीज ऑर्डर किया ना तब मेरा भी दिल कर पड़ा। अब फिर मैं अपनी स्टमक की खराबी को भूलते हुए खाने लगा। बाकी इसके बाद जो मेरा अंजाम होगा ना वो अल्लाह के सुपुर्द कर दे। अरे थैंक यू सो मच, इधर आपके लिए चॉकलेट्स वाली ईदी आई है। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। नहीं सॉरी यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लो अंकल जी ये आपकी ईदी, ठीक है। थैंक यू। ईदल की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है बिकॉज जब हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे तभी ये बच्चियां हमें मिली थी, हम लोगों ने पिक्चर वगैरह बनाई और जब तक हम लोग खाना वगैरह अपना फिनिश करके वापस नहीं आए तब तक ये बच्चियां बाहर ही खड़ी रही हैं क्योंकि इन लोगों ने ईदल को चॉकलेट देनी थी गिफ्ट में, है ना। लोग कितना प्यार करते हैं ना कवल, ये सिर्फ खड़ी नहीं रही हाँ? ये चॉकलेट लेके आई है, लेकर आई है ना। हाँ वो क्योंकि तुम चॉकलेट खा रही हो ईदल की। चाचा गाड़ी निकलवा देना यार अब मेरी। अच्छा ए वाला हिस्सा तुसी कह रहे हो इधर हो जाए ते मुंह इधर। हां जी वो किन जाएगा। हां इस तरह कटनी है फिर सीधी निकल जाए। चलो ठीक है मैं कोशिश करता, ठीक है ओके ओके। तो मां
बेटी खा पी कर सो चुकी हैं और मैं ड्राइव करके इनको घर वापस लेकर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कमेंट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं। आए अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे रास्ते बेटी और माँ सोते आए हैं और घर आते ही आँख खुल गई है। जेड़े बच्चे ने कमेंट किया ना, यूजर जेड है, मैं ओदी आवाज कह रहा हूं, अंतल अबरार प्लीज रोद ब्लो द तो उतरो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, आज तो पूरे ऐसे हीरो लग रहे हैं। हीरो यार, पता है फिर बंदा सो रहा घर आए फिर हीरो ही लग रहा होता है। वजन जो उठाया होगा हैं, बैग का वजन जो उठाया होगा ना, बैग शैग तो उठाने ही पड़ते हैं भाई। और सुनाए तबीयत से ठीक है? क्यों रो रही है इधर? उसकी नींद खराब हो गई। सॉरी बेटा जी, जाओ जाकर सो जाओ। तू आ गया तेरा चलो घरों वापस। हाँ फिर बंदे ना तेरा गिफ्ट दे के ऐसी बच्चे दो। कौन सा गिफ्ट? दो मुंडे आए सन, तू चले गया ऐसी, फिर उन्हें दे के गए ऐसी, लेके आए ऐसी। किधर है गिफ्ट? वो है, दिखाओ जी किधर है गिफ्ट। ओए वो, ओहो, चेक करते हैं जी। अपनी जुल्कनैन आर्मी गिफ्ट देकर गई थी। ये फ्रॉक है? ये किस तरह की फ्रॉक है यार? हैं ओए डोल है ये, वो चेक करो कितनी प्यारी डोल है ना। वाह भाई वाह, कौन देकर गया था? ये लड़के आए थे दो। अच्छा, चाहिए थे मिलना है। अच्छा, तू चले गया था उसके बाद। हाँ, हाँ। गिफ्ट लेके आए। क्या बात है, तो ये फूल भी वही लेकर आए थे? हाँ जी, पानी मार मार के मैं ताजा रखे। वो लग भी रहे हैं, गीले गीले हैं अभी भी। यार थैंक यू सो मच जुल्कनैन आर्मी, आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट देकर जाते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो वो कितनी एडवांस है, उसके हाथ माफी मांग रही है कि जान छड़ा। तो तनु कह रही जा चला जा, चला जा। हाँ जी अबू जी, यार अबू ने ना सारी जिंदगी कभी भी पैंट शर्ट नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? नहीं पहनी, पहनी है मेरी जान। कब पहनी है? अबू क्रिकेट खेलते थे तब। हाँ वो ट्राउजर शर्ट पहने, वैसे पैंट शर्ट नहीं ना पहनी अबू। बड़ी पहनी है तू पागल है क्यों? तेरी पेंटा घर पे या नहीं? अच्छा जी, 28 वेस्ट में 28 29 वेस्ट, क्या बात है डैडी। अबू अब क्यों नहीं पैंट शर्ट पहनते? ढिड बढ़ गया। ओ यार अबू को कल पैंट शर्ट ना पहनाए। हैं अबू कल आप पैंट शर्ट पहने? ओयो तू कल गया थे, दो मुंडे आए सन। वो तो मुझे पता चल गया, मैंने उनके गिफ्ट भी रिसीव कर लिया। आप बताएं पैंट शर्ट कल पहने हैं? मुंडे दौलता नगर दे सन। अच्छा ठीक है, अब वो पैंट शर्ट में आए ना यार। पैंट शर्ट कल पहने? नहीं। हाँ नहीं। हाँ अब क्या हो गया? डन जी, डन डन। हाँ जी डन, पैंट शर्ट डन जी। अब डन हो गया, सारी फैमिली डिमांड कर रही है कि आप पैंट शर्ट पहने। सारी फैमिली टटे खूज जाएगी, मैं टटे खूज नहीं जाना। और अबू को पहनाएंगे। अबू कल आपने सारा दिन पैंट शर्ट पहन लिया। चलो आप हमारी नहीं सुनो, दुल्कनैन आर्मी की सुन लो ठीक है। अगर तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि अबू पैंट शर्ट पहने तो फिर अबू पहनेंगे। दुल्कनैन दी आर्मी नू मेरी रिक्वेस्ट है कि ना करें। नहीं अगर किया, अगर किया नहीं बात सुने, अगर उन लोगों ने कमेंट किए कि ठीक है आप पहने तो फिर आप पहनेंगे ना। हाँ जी ठीक है, ठीक है डन हो गया, अबू ने पहन लेनी है मुझे पता है। अगर तो ज्यादातर लोगों ने कमेंट किए कि जी अब्बा जान कल पैंट शर्ट पहने तो फिर इंशाल्लाह कल हम लोग अब्बा जान को पैंट शर्ट पहनाएंगे। ये अबू ने ना पाई ना तो फिर निकाश पाएगा, वो कह रहे हैं। लेकिन काश कह रहा है मैं हुनी ते लाई हूँ। उसके लिए तो कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, वो तो अभी एक डेढ़ साल तक रेगुलरली पेंट शर्ट ही पहनता था, शलवार कमीज पहनता ही नहीं था। लेकिन अब्बा जान के लिए मुश्किल टास्क है ये, तो होएगा इंशाल्लाह कल। लॉटरी लगी है भाजी। कौन सी लॉटरी लगी है तेरी भाई? एक दो तीन चार पाँच। हाँ पाँच रुपये पाँच पंजा हजार, पाँच रुपये पाँच पचास हजार, पच्चीस रुपये भाई, पाँच रुपये पाँच पच्चीस। इसका मतलब कितना कमजोर है मेरा हिसाब नहीं सही। पच्चीस रुपये दो, पचास हजार रुपया जीत गया हूँ तेरे से ब्रो। कौन सा पचास हजार है? तीन ब्लॉग। कौन से तीन ब्लॉग? तीन ब्लॉग तूने बोला था 15 मिनट से ज्यादा होना है। एक मैंने कब बोला था? मुझे याद ही नहीं है। वाम तने थले कमेंट कर रात गई बात गई। हां जी हां जी, वाम कमेंट करके याद कराएगा। 50000 की शर्ट लगी थी मेरे साथ। हां जीत गया। कौन सी शर्त? 50000 रुपए दे। कौन सी शर्त है बता? तीन ब्लॉग वाली। क्या तीन ब्लॉग? डे फर्स्ट, डेट
सेकंड डे थर्ड आज थर्ड डे वाला व्लॉग आ जाएगा 15-15 मिनट की गल करते हैं और तू तीन की गल करता नहीं 15-15 मिनट का व्लॉग यस ब्रो तू तीन की गल करना चार अपलोड किए ने अच्छा 10 ओ माय गॉड यार भाई 50,000 तुझे तभी मिलेंगे जब तू तीनों व्लॉग अपलोड कर देगा ईद के डेज वाले तो अभी तक तेरा तीसरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है आज अपलोड हो जाएगा ना आज अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा किसमें अपलोड करता तू फोन से फोन से बनाता हूँ फोन से एडिट करता हूँ फोन से अपलोड करता हूँ तू फोन से करता हूँ तो 50,000 दे मैं फोन नवा लेवा किधर है फोन तेरा दिखा नहीं मुझे दिखा के तेरा व्लॉग कौन सा है जो तूने अपलोड किया दिखा ना दिखा तू मुझे दे चेक करा चलो बस ठीक है अब तेरा व्लॉग अपलोड होगा तो पैसे दे फोन दे यार कोई ड्रामा नहीं है रो के जितना ना कोई फायदा नहीं है अच्छा मेरे फोन रो रहे हैं तू रो रहे हैं तो नहीं अपलोड होने दे रहा तुझे लगता है मेरा फोन लेने का व्लॉग अपलोड क्या हो जाएगा नहीं होगा मैं कल अपलोड कर दूंगा कल अपलोड करेगा शर्त कैंसिल हाँ जी भाई 3 दिनों में 3 कर देने थे ना तू अगर कल करेगा तो शर्त कैंसिल 50,000 बेशक तू नहीं देगा मेरे पास अक्सर तेरा कार्ड होता है मैं 2,00,000 कटाऊंगा तेरे में समझ भी नहीं आता अच्छा मैं कार्ड तेरे सामने रखूंगा ही नहीं कभी कभी रखेगा नहीं रखूंगा कल साल बाद 2 साल नहीं रखूंगा नहीं रखूंगा यार ये मजाक नहीं मजाक के अलावा क्या करूं जब नहीं देना नहीं देना यार चैलेंज किया मैं पूरा यार चैलेंज किया मैं भी ऑपोजिशन में हूं तो मैंने भी अपना कोई ना कोई काम करना है कि ब्लॉग अपलोड ना ऐसे नहीं होता ऐसे ही होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच ऐसे नहीं होता ये वही है ना जो ऐसे ऐसे करता है ये क्या करता है चल नहीं बदतमीजी ना कर मेरा 50,000 दे मेरा फोन भी वापस कर ओए मेरे हाथ च पौधे भी बोल दे और दस बाबा नहीं करना वापस मेरे हाथ वो बोला 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 अभी नहीं करना वापस ये लमने चाचू का फोन कोई नहीं देखना ये ओ ओ ओ जेब छोड़ ओए इब्रार ये ड्रामेबाजी है ना कर धोखेबाजी है भाई तूने धोखेबाजी से की मैंने अच्छा मेरा फोन है हाँ? मेरा फोन तो धोखेबाजी से क्यों निकाला मेरी जेब से तू जेडी धोखेबाजी करके आया रूम च मेरे नाल यार ये क्या है ठीक है यार कर ले अब मैंने जो 50,000 हारना था वो तो हार गया अपलोड कर 30,000 गया तुम्हारा भरा यार लख दी लन थैंक यू भाई जान ऐसे ही बड़े भाई की खिदमत कर तुझे अल्लाह ताला जरूर इसका सिला देगा 50,000 दे दूंगा ना क्या हो गया 50,000 दे दो दिया नहीं दिया अभी 40,000 ही थी 10,000 दो 50 पूरा हो गया चाय इब्रार ना बहुत जबरदस्त बनाता है यार इसके हाथ की जब जब चाय पी है तब तब मजा आया बस एक दफा के अलावा वो दफा थी थाईलैंड में मैंने शेख को कहा जा तू चाय बना के ला शेख कहता यार मेरे से नहीं बनेगी तू इब्रार को कह मैंने कहा चलो ठीक है मैं इब्रार को कहता हूँ इब्रार को कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था ये थाईलैंड हमसे पहले पहुंचा हुआ था ठीक है और हम लोग उस दिन गए हैं बड़ा जलीलो खवार होके ठीक है मतलब फ्लाइट बहुत लंबी थी क्योंकि हम लोगों ने बाली से थाईलैंड आना था हम लोग पहुंचे हैं थके हुए बुखार चढ़ा हुआ कहा चाय बना दो शेख ने कहा चाय मैं नहीं अच्छी बनाता अब्रार बनाएगा अब्रार साहब फुल कॉन्फिडेंस बाबा चाय आई देखने दिल ने कितना देखने को दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी ना मैंने कवल कहा तुम चेक करो कवल कहते नहीं मैं तो नहीं पीऊंगी मैं ऐसे ही रखूंगी मैंने कहा चलो ठीक है मैं पीता हूँ मैंने ऐसे सिर्फ नहीं मैंने ना उधर ही रख दी पूरा इतना बड़ा कप ना मैंने गाया कर दिया चाय पहले नंबर पे तो वहाँ पे पता है दूध किसी और किस्म का मिलता है वो बॉटल में होता है दूसरे नंबर पे पत्ती नहीं थी और तीसरे नंबर पे अगर तुझे याद हो रात के 10 बजे का टाइम था मैं यार शेख बाहर जाने वाले थे हाँ जी हाँ ये मैंने फिर जल्दी जल्दी मैं कहा मगर नहीं 10 से भी लेट था हाँ ज्यादा लेट है 12-1 बजे का टाइम था 12-1 बाकी यार आज की चाय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पीकर भी चेक करता हूँ कि आज कैसी बनी है आज तो नहीं गलत बने हाय 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 ब्रार साहब खोखा बना अपना चाय वाला ब्रो चाय वाला खोखा बना अरे चला तेरी चाय बहुत चलेगी बाकी तो फेमस हो जाएगा हां इसकी चाय बहुत चलेगी अपने उस्ताद जी बहुत ज्यादा आवाजारी के साथ मलाई बोटी खा रहे हैं जो कि इसने ऑर्डर करके मंगवाई है और अच्छी नहीं निकली घर में अच्छी खासी चिकन कढ़ाई बनी हुई थी लेकिन इसने कहा नहीं मैं मलाई बोटी खाऊंगा अचारी चिकन हांडी सबने माशाल्लाह इतनी सारी रोटियां खाई है माशाल्लाह माशाल्लाह और सबने हर एक बंदे ने तारीफ की यार आज बड़े मजेदार थी यार आज बड़ी
और निकाश भाई मोबाइल में लगे हुए हैं कि बस छोड़ दो मेरी मलाई बोटी मलाई बोटी आएगी मैं वही खाऊंगा। और मलाई बोटी आ गई पर मजा नहीं आया। खुश क्या ना किस तरह तुम सारे खुश को ना तो ज्यादा खुश तो ना सारे खुश को होंगे। अच्छा यार मजे की बात पता है क्या है कि मेरा पेट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। बस ये कि मैंने मेडिसिन खाई है वो भी मम्मी ने मुझे दी थी कि बेटा ये वाली मेडिसिन खा लो। मैंने कहा चलो ठीक है मैंने वो खाई और खाने के बाद भाई आपका 3-4 घंटे पहले चाइनीज भी खा कर आया कुछ भी नहीं हुआ ना ही लूज मोशन आ रहे और ना ही किसी और किस्म की दर्द शर्द का इम्कान है। इसीलिए मैंने फिर इब्रार साहब से कहा चाह अपना आगे ले आ चाह पीने ते बाद चो सोने। अब आप लोग अपने भाई को दे आज। नहीं नहीं मैंने एक बात करनी है। क्या बात? मैं लोगों को बताऊं कि आपको कैसे पता चला आपका पेट ठीक हुआ है? नहीं है कैसे पता चला बताओ बता दो यार मैं बता देता हूँ। दरअसल जब बंदे का पेट खराब होता है ना तब ना उसको गैस शैस नहीं आ रही होती तो जब गैस आनी शुरू होगी ना मैंने कहा ला भाई पेट ठीक हो गया मेरा। पहले तो बंदा गैस मारने की ट्राई कर रहा होता है और पानी निकल आता खाना खा रहा। काश भी मैं सोई हुई हूँ मैं और रेजल ऐसे गाड़ी में सोए मैं जोरकर नहीं एकदम से कबाल मैंने कहा क्या हुआ हाथ मार मैं हाथ मार मैं की होया ए काम किया मैं कह रहा तुम्हें आना सी कि मैंनु पता लग गया पहले तेरी आवाज तो पहला मैंने तेरी आवाज से पहले मुझे स्मेल से पता चल गया। क्या यार इजाजत दो कल मिलेंगे अब एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।